नहीं सर, हमें कुछ भी सरकार से नहीं मिल रहा, ना हमारे पास राशन कार्ड है, आज 25-30 साल से ठेला लगा रहे हैं, ना हमारे पास कोई लाडली बहना है, ना राशन कार्ड है, ना हमारे पास सरकार की कोई सुविधा नहीं है। तो हमारा सरकार से विश्वास ही अट गया है, पर अपना कर्तव्य हम लोग अदा कर रहे हैं, है ना। नहीं तो हमें सरकार से कोई प्रॉफिट नहीं, ना कोई लाभ है, ना कोई नहीं। हम लोग रोज को कमा रहे हैं, रोज को खा रहे हैं। जब चुनाव आता है तब सर्वे होता है, इसके बाद फिर बंद हो जाती है, इसकी कोई सर्वे नहीं होता। हाँ, वो अलोक शर्मा नहीं जीत रहे, मोदी जीत रहा है। उन्होंने फार्म वोरम भराया, फिर सुनवाई बंद कर दिए, आज तक पे बुलाए नहीं। आप आपके हिसाब से चुनाव या लोग चर्चा करते होंगे, आपको लगता है कि बातचीत के हिसाब से किसका बढ़ला ज्यादा भारी है? अरे बीजेपी जीत रही है भाई, कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अच्छा, तो राहुल गांधी जी भी अच्छे नेता है, मगर आप क्या करे सर, की मन नौकरी नहीं है, न पति की है, न बच्चों की है, न किसी की है। तुम किसको वोट दोगे? अपनी दिल से पूछोगे मत। सर उन्होंने वो भी बात नहीं करते, उनके पास ऐसे दो चार लुक्खे पार रखे हैं। हाँ, तो उन्होंने अपने लुक्खों की सुनते है, बाकी कोई की सुनी। आलोक शर्मा जीते, वो पहले अपन चार छह बार गए, उन्हें भी वो भी खेत देते, कहीं कोई नहीं सुनता, गेट के अंदर तो कोई आने की गारंटी नहीं होती है। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है, ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। बेटा, क्या नाम है आपका? बबीता मिश्रा। आप भोपाल से हैं क्या? ना? कहाँ के रहने वाले? अपन चित्रकूट के रहने वाले हैं सर। चित्रकूट मध्य प्रदेश क्या उत्तर प्रदेश वाला? उत्तर प्रदेश वाला, यूपी। हाँ, तो आप वोट डालने यूपी जाएंगे कि यहीं आप वोट डालने? यहीं डालने, हमारा यहीं का सब कुछ बना हुआ है, वोटर आईडी, आधार कार्ड, हम लोगों को 25-30 साल यहाँ रहते हुए होगा। ये दुकान आप ही चलाते हैं? हाँ जी। बहुत हिम्मत की जगह चाहिए आपको यहाँ बैठने के लिए। क्या करे सर, की हिम्मत नौकरी नहीं है, न पति की है, न बच्चों की है, न किसी की है, तो पेट चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है, तो क्या करे, अपने चाय बेच के उकर के उकर अपना पेट चलाते, रोटी खिलाते हैं बच्चों को और अपन खाते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे हैं। स्कूल पढ़ते होंगे अभी? अलवो बेचारे, वो भी ज्यादा प्राइवेट, कहीं किसी की गाड़ी चला रहे, कहीं कुछ कर रहे हैं, ऐसे ही। तो आपको क्या लगता है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही या फिर सरकारी नौकरियों की तरफ ध्यान? नहीं सर, हमें कुछ भी सरकार से नहीं मिल रहा, ना हमारे पास राशन कार्ड है, आज 25-30 साल से ठेला लगा रहे हैं, ना हमारे पास कोई लाडली बहना है, ना राशन कार्ड है, ना हमारे पास सरकार की कोई सुविधा नहीं है। लाडली बहना में क्यों नहीं हुआ आपका? करने का आपका तो उम्र भी नहीं है अभी। इसलिए नहीं हुआ कि हमारे पास राशन कार्ड नहीं था, हमने दो एक जगह गए तो बोले राशन कार्ड चाहिए, तो राशन कार्ड नहीं। हम राशन कार्ड में जाते हैं तो राशन कार्ड वाले सुनते ही नहीं है, कोई ऑफिस में जाओ तो कोई आदमी सुनता नहीं है। जहाँ नगर निगम का आपका वार्ड ऑफिस है, आपने वहाँ जाके कंप्लेन करी? हाँ, कंप्लेन किया, कागज भी जमा किया, सब कुछ किया, आज आओ कल आओ, आज बताएं कल बताएंगे, बस वही आज 3-4 महीने हो गए। उन्होंने हमें पावती तक नहीं दिया, हमने बोले भैया आपने जो अपन को कागज दिया आपने, आप हमें रसीद दे दीजिए, बोले वो दे देंगे, बना देंगे, कर देंगे, कुछ भी नहीं कर देंगे। आपने मुख्यमंत्री की उसमें कंप्लेन करी कि नहीं करी? हाँ जी, मुख्यमंत्री ने भी कंप्लेन की। आपका वो उसका कुछ उसका जवाब? कुछ नहीं, उन्होंने बोला कि आपका हो जाएगा, आप जाइए करिए। हमने गए वहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनी नहीं रहा। आपका आधार कार्ड कहाँ का है? आधार कार्ड यहीं का है, एमपी का है, ससुराल भी हमारी एमपी है। अच्छा। हाँ, एमपी के रहने वाले हैं जी, रीवा से। इसके अलावा सरकार से और कोई सुविधा, जैसे राशन का, राशन वगैरह की? कुछ नहीं सर। हाँ हाँ, न राशन मिलता, न कोई हमारे पास सरकारी कोई सुविधाएं हैं, न कुछ है, लाडली बहना, मतलब हमें कुछ भी सरकार से कोई प्रॉपर्टी कोई वो नहीं है। आप यहाँ किराए से रहते हैं या आपका खुद का घर? झुग्गी झोपड़ी है। झुग्गी झोपड़ी भी, उसके सर्वे वगैरह तो हुआ होगा, सर्वे में तो वहाँ पर आपको मिला होगा कुछ? सर्वे तो होता है भैया, पर सर्वे इसलिए हमें नहीं मिला क्योंकि हम सुबह चले आते हैं 6 बजे से, दिन भर यहाँ दुकान में बैठे रहते हैं, घर में मान लो कभी बाई चांस आते भी होंगे तो ताला पाते होंगे, कोई घर में कोई रहता नहीं, बच्चे भी दोनों कमाने खाने निकल जाते हैं, हम लोग भी दोनों मियाँ बीवी आ जाते हैं, अब बच्चों की भी शादी हो गई, बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, तो अब उनको भी कोई वही कमाना, वही खाना रोज का अपने जैसा है, कोई उनकी नौकरी चाकरी नहीं है, कुछ नहीं है। आप मुख्यमंत्री जी के यहाँ डायरेक्ट आवेदन करिए, अपनी शिकायत में उनको दर्ज कराइए कि हमारे हमको ये शिकायत है और हमारा ये काम हो नहीं रहा है, हमको किसी भी प्रकार से, जबकि हमारे पास कोई घर नहीं है, सर पे छत नहीं है, सरकारी कोई राशन नहीं मिल रहा है, सुविधाएं नहीं मिल रही है,
ये बात आप जाके बताइए। नहीं नहीं होता, कहीं भी बताओ कुछ भी नहीं होता है। आपके पार्षद कौन है आपके इधर? हमारे इधर पार्षद ये 48 वार्ड गुड्डू चौहान है। हाँ जी, आपने कभी उनसे मिलके बातचीत करी? नहीं सर, उन्होंने वो भी बात नहीं करते, उनके पास ऐसे 2-4 लुखे पार रखे हैं। हाँ, तो उन्होंने अपने लुखों की सुनते है, बाकी कोई किसी नहीं सुनते। हम तो आपके इधर से विधायक तो मेरे ख्याल से कृष्णा गौर है। जी कृष्णा गौर है ना आपके यहाँ? हाँ, वहाँ भी नहीं जाने मिलता भैया, गेट के अंदर कोई नहीं जाने मिलता है। या लोग शर्मा जी थे, वो पहले अपन 4-6 बार गए, उन्हें भी वो भी खेत देते हैं, कहीं कोई नहीं सुनता। गेट के अंदर तो कोई आने की एंट्री नहीं होती है। हाँ, जब चुनाव को आते हैं तब आते हैं, बाकी नहीं आते, कोई नहीं मिलने देते। आपके यहाँ तो बहुत नेता आते होंगे, यहाँ चाय पीने भी खड़े होते होंगे, राजनीति की चर्चाएं होती होंगी कभी किसी? आप जिस जगह बैठ के काम कर रहे हैं, आपको बहुत मेहनत हिम्मत चाहिए। आप पराए शहर से आके अपनी जमीन तलाशना, किसी शहर में आके और बिना किसी सरकारी सुविधाओं के, ये मैं समझता हूँ आपकी बहुत बड़ी हिम्मत को मैं दाद दूंगा कि आपने बहुत कुछ यहाँ बैठ के अचीव किया है। आप सरकार मुख्यमंत्री के उसमें जो नंबर है उनका यहाँ पे शिकायत के लिए, आप उसमें आवेदन करिए एक बार, हो सकता है कि आपको शिकायत। भैया हमने कर चुके एक बार के, दो बार, दो तीन बार कर चुके मुख्यमंत्री है उसमें भी, पर कोई सुनवाई नहीं। आप वोटर अब तो वोट डालते होंगे ना यहाँ पे भोपाल में? 25 साल से वोट डाले, जब से महापौर थे आलोक थे, क्या नाम, सुनील सूद थे, उसके पहले से हम लोग वोट डाल रहे हैं, वोट तो बराबर डाल रहे हैं। हाँ, आलोक शर्मा भी पहले महापौर रह चुके हैं भोपाल? आलोक शर्मा भी रह चुके हैं, कृष्णा गौर रह चुकी, और एक और कोई ये क्या था, किसी ने कुछ भी नहीं किया। हाँ, और मेरे सुनील सूद थे तो तभी वो लगाते थे ठेला। हाँ, तभी भी वो भी वहाँ लगवाएंगे, पर वो भी कहीं कुछ नहीं, इधर से उधर भटक रहे हैं बस, कोई न जगह मिला न कोई कुछ नहीं, बस अपना आदमी इधर से अपना रोजी रोटी कमा। चलिए, आपकी आवाज़ हम पहुंचाएंगे सरकार तक, हो सकता है आपको उम्मीद रखेंगे कि शायद आपके साथ न्याय हो और आपको जो सरकार की तरफ से हक मिलना चाहिए वो जरूर मिले। थैंक यू भैया, आपका धन्यवाद होगा, आपको बहुत बड़े आभारी होंगे यदि हमारी आवाज़ पहुंचेगी सरकार तक। आप बातचीत करने के लिए आपको भी धन्यवाद हमसे, हम इस विषय में बातचीत करेंगे भैया से भी। तो आप जो बंटी बता रही हैं, आपको कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल रही है, कोई राशन कार्ड वगैरह कुछ नहीं है? कितने साल हो गए आपको यहाँ आ रहे थे? 25-26 साल हो गए दुकान खोले। 25-26 साल में अभी तक कोई भी आपको कोई सरकार की तरफ से कोई राशन कार्ड या सुविधा नहीं मिली? नहीं। वोटर पर्ची वगैरह तो आपकी यही, आधार कार्ड यही, सब यही का है। तो आप मुख्यमंत्री जी की जो शिकायत वाली ऑनलाइन है उसमें करा आपने? शिकायत किए बोला था, उसमें जो है SDM के यहाँ बुलावा हुआ, गए उन्होंने फार्म वोरम भराया, फिर फरमाइन बंद कर दिए, आज तक पे बुलाए नहीं। राशन कार्ड किए थे CM के यहाँ, CM हेल्पलाइन में, जो लाइन में, मगर उन्होंने बुलाया कि आप आ जाइए, गए सब कागज जमा किए, इसके बाद वो सुने नहीं, फिर रख दिए नीचे, बोले जाओ हो जाएगा। इस जगह पर जैसे आप यहाँ लगाते हो तो आपको नगर निगम को टैक्स वगैरह भी देते होगे, आप उनको पर्ची वगैरह कुछ करती है क्या? पर्ची कटती थी पहले, अभी बंद हो गई है 1-2 महीने से। अच्छा। पहले 10 रुपए रोल, 20 रुपए रोल ले जाता था, कभी कभी नगर निगम रुका ले जाती है, पहला छप्पा चिपटक देती है, टूट फूट जाता है सब, ये रिपेयर कराते हैं। तो आपको इसके अलावा भी कोई सरकारी सुविधा नहीं, जो सरकार जगह अलर्ट कर देती है कि आपको यहाँ से हटाएंगे तो कहीं बिठा देंगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं बताया, कोई वादा नहीं करती सरकार, कोई पार्षद या नेता कोई भी आके आपको? कोई नहीं, कोई नेता होता जो है कोई सब। वोट डालते हैं हम यही भोपाल में? हाँ, यही डालते हैं। कैसा क्या लग रहा है आपको अब की बार, कौन जीतेगा, किसकी बार जीतेंगे और कौन जीतेगा, ऐसा क्यों लगता है आपको? मोदी जी क्यों जीतेंगे? मोदी आलोक शर्मा को वोट जाएगा तो आलोक शर्मा के हाथ से मोदी जीतेंगे? हाँ, वो आलोक शर्मा नहीं जीत रहे, मोदी जीत रहा है। अच्छा, और क्या है? जो वोट जो भी लोग दे रहे हैं वो मोदी को वोट दे रहे हैं, ना कि आलोक शर्मा को, मोदी। तो ऐसा क्यों लगता है आपको, मोदी जी में ऐसी क्या खासियत है जो मोदी जी को? मोदी जो है देश को सुधार दिया, गुंडागिरी खत्म कर दिया, आतंकवाद खत्म कर दिया, कोरोना में सबको बचाया, बस इसीलिए। तो प्रधानमंत्री की जो कुटी योजना थी जिसमें गरीबों को मकान देने की बात हो रही है, उसमें आपका सर्वे वगैरह नहीं हुआ उसमें क्या? उसमें तो उल्लू बना रहे हैं, कुछ सर्वे नहीं है। अच्छा, तो उन्हीं का होता है जो पार्षद के आदमी हुए। अच्छा, सर्वे कितने बार हुआ, इसके बाद होने के बाद फिर बंद हो जाता होता है, जब चुनाव आता है तब सर्वे होता है, इसके बाद फिर बंद हो जाती है, इसके कोई सर्वे नहीं होता, वो सब आदमी को पब्लिक को बेवकूफी बनाने, वो तो हमारा सरकार से विश्वास ही हट गया है, पर अपना कर्तव्य हम लोग ही अदा कर रहे हैं।
चलो भाई जब अपने घर में 5-6 वोट है तो वो सरकार को जाना चाहिए, है ना। नहीं तो हमें सरकार से कोई प्रॉफिट नहीं, ना कोई लाभ है, ना कोई हमें कुछ। हम लोग रोज को कमा रहे हैं, रोज को खा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी सोच है कि आप सरकार से कोई सुविधा नहीं लेने के बाद भी आप वोटिंग करते हैं। हाँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सरकार से सारी सुविधाएं लेते हैं लेकिन वो वोट डालने नहीं जाते हैं। तो क्या करें भैया, अब हम लोग गरीब आदमी हम ही लोग दे सकते हैं सरकार को, बड़े लोग तो कोई ऐसा है नहीं कि मतलब वो है, फिर भी क्या कर सकते, कुछ नहीं, यहाँ में बस वही है तो वही कर रहे हैं जो भी अपना। आप अपना कर्म करिए, ईश्वर सबके लिए न्याय करता है। हो सकता है आपके लिए बहुत कोई अच्छा सोचा हो उसने आगे जाके, हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपके साथ अच्छा हो और आपके हर काम धीरे धीरे बन जाए। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। सर क्या नाम है सर आपका? शकील। शकील भाई आप कब से चाय की दुकान लगा रहे हैं? 20 साल होगा। 20 साल होगा। आप इन लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं पंडित जी? हाँ। आप एक ही धंधे में, आपको कभी कोई कंपटीशन तो नहीं हुआ दोनों के बीच? कुछ नहीं, प्यार मोहब्बत से दुकान चल रही है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आपके हिसाब से चुनाव लोग चर्चा करते होंगे, आपको लगता है बातचीत के हिसाब से किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? अरे बीजेपी जीत रही है भाई, बीजेपी। हाँ, कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अच्छा, तो राहुल गांधी जी भी अच्छे नेता है, है मगर आप तुम किसको वोट दोगे अपनी दिल से पूछ लो, मेरे से पूछोगे मत। सरकार की तरफ से आपको